ये तो स्टॉप करना है तो। यस, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक फ्लेक्सिबिलिटी। More we flexible, more our body is flexible, less we have injuries. Flexibility is one of the major component of fitness. As you know, injuries are the part and parcel of any sports person. To avoid these type of injuries in sports, one should be more flexible. As you know, if our body is more flexible, then there is a very, very less chances of injuries. Those who have a stiff body, they have a more chances of injuries. So today we have to discuss regarding the flexibility. What is the importance of flexibility in games and sports? First of all, we define this flexibility is the ability of the joints to move in maximum range. It is largely depend upon the ligaments, and different joints have a different flexibility. So it is the ability of the joints, it is a range of the joints, range of motion of the joints, how joints move maximum. Okay, it depends upon individual structure of joints and ligaments. It is totally depend upon your structure, jo aapka ligaments hai. ठीक है, उस पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है. एज यू नो, डिफरेंट गेम हैव अ डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी लेवल. इन जिमनास्टिक वी नीड मोर फ्लेक्सिबल पर्सन, मोर फ्लेक्सिबल स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव मैक्सिमम रेंज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल. Passive means you are doing flexibility for help of another person. Means ki external. किसी आप external person, partner का use करके जो आप flexibility करते हो, that is passive flexibility. And active flexibility without the help of any external. ठीक है, जो आप अपने आप खुद करते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल. फर्दर जो आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम डिवाइडेड करते हैं टू पार्ट्स में, स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक जो होती है, जो हम स्टेशनरी पोजीशन में हम एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन में आपने अपनी बॉडी को रेज करना है स्टेशनरी पोजीशन पे, देन यू हैव टू होल्ड देयर फॉर 10 to 20 seconds. दैट इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, इट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन द मसल इन्वॉल्व इन एक्सरसाइजेस, बट इन स्टेशनरी पोजीशन. एज यू नो, अर्लियर वी डिस्कस दिस स्टैटिक एंड डायनामिक. Static means stationary position and dynamic when you are in motion. Static flexibility mein aap stationary position pe you are doing your flexibility. You are holding in a
one stage and you have to remain there for 10 to 15, 20, 25 seconds. That is static. And dynamic, when you are in a motion, performing in gymnastic exercises, where you have to in motions, ठीक है, आप की body move भी करती हैं, and you have to flex your body parts, stretch your body part. अब इसमें बेटा further there are different methods of developing flexibility. ठीक है, अब आपने flexibility, आपको पता है flexibility it is a range of motion of joints. ये आपका एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है. ठीक है, पैसिव होती है जो आप पार्टनर के साथ करते हो, एक्टिव मींस की जो आप अपने आप करते हो. फर्दर डिफरेंट मेथड्स वी हैव टू यूज टू डेवलप दिस फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड. ठीक है, देन देर इज अ स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ballistic stretching exercises, then proprioceptive neuromuscular facilitation, जिसको हम PNFB बोलते हैं. ठीक है, ये आपकी एडवांस टेक्निक है. तो ये सारे जितने भी मेथड्स हैं, ये डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग दिस फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस. हम इसको जो डिफरेंट मेथड्स हैं, इनसे हम इनको इम्प्रूव करते हैं. और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वी नीड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स की जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं डिफरेंट गेम्स की, उसमें ये इन्वॉल्व होती है फ्लेक्सिबिलिटी आपकी. हर गेम के लिए आपका फ्लेक्सिबल लेवल डिफरेंट होता है. इफ यू आर परफॉर्मिंग जिमनास्टिक, वहां पे हाई लेवल की आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेवल आपका चाहिए होता है. बिकॉज ईच एंड एवरी मूवमेंट जो आपके जितने भी आपके जिमनास्टिक के इवेंट्स होते हैं, in that particular events you have to stable your body, you have to control your body while you are landing, you have to be land in a smooth position, in each and every part should be in your whole control. Jisko hum bolte hain pura body coordination ke sath jo activity karni hoti hai, aapki landing ke wahan pe point hote hain gymnastics mein, holding ke points hote hain, different difficulties aap perform karte hain uske points hote hain. So we need more flexibility in gymnastics. So it does not means ki aapko baki game mein bhi flexibility ki zarurat nahi hoti. If your body is flexible, you will play longer. Aapko injuries ke bahut kam chances ho gaye. To flex jo sports person hota hai, uski jo body hoti hai wo flexible honi chahiye. Athletic jisko hum bolte hain, theek hai, it should not be stiff. आपने देखा होगा जो डिफरेंट गेम होती है आपका, जैसे बॉक्सिंग है, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा स्टिफनेस होती है. जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है. इट डिपेंड अपॉन टू गेम, हर गेम में आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल डिफरेंट होता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी. ये आपके डिफरेंट मेथड्स हो गए. और व्हाइल यू आर डूइंग फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस. आपको फ्लेक्सिबिलिटी कि जब आपने एक्सरसाइज करनी है, आपको कौन कौन से प्रिकॉशन या इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू मेक इन योर माइंड, तो वो भी इसमें डिफरेंट आती हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पीरियड. सॉल्व फॉर टू डेज़.